नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बाय फंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से एरिका लीफ प्लेट एक्सपोर्ट करने के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एरिका लीफ प्लेट एक्सपोर्ट करने के बारे में कि किस तरीके से एरिका लीफ से बने हुए प्रोडक्ट जो है, जो पैकेजिंग मटेरियल है या जो प्लेट्स होती है या उसके कोई भी दूसरे काइंड ऑफ बॉक्सेस बनते हैं, स्पून्स होती है, इस तरीके के प्रोडक्ट जो है अगर एक्सपोर्ट किए जाएँ तो किस तरीके से किए जाएँ, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना रहेगा, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर काम करता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आए कि एरिका लीफ प्लेट्स के एक्सपोर्ट किस तरीके से इंडिया से किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एरिका लीफ प्लेट की बात की जाए तो इसके चैप्टर जो है 46 चैप्टर में एक्सपोर्ट होता है और इसका HSN कोड जो है 4602190 है। तो इसमें एरिका लीफ प्लेट्स का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर ही आता है। अब इसके तीन रीजन है कि इस प्लेट्स को क्यों खरीदा जा रहा है, क्यों फॉरेन में ये डिमांड में है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली जो है प्रोडक्ट है, एक तरीके से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। दूसरा, ये ड्यूरेबल है और लाइट वेट होता है, ज़्यादा वजन नहीं है इसके अंदर, वेट नहीं है, ड्यूरेबल है, काफ़ी टाइम तक चलता है। तीसरा जो है 100% बायोडिग्रेडेबल है एंड कंपोस्टेबल है, तो मतलब एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है इसलिए भी डिमांड में रहता है। पॉलीथीन के प्रोडक्ट को जो है काफी सारी जगह अभी यूज में नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसे में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है फॉरेन मार्केट में निकल के आ रही है, जो प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं। और ये एक तरीके से एक एरिका नट्स का जो पेड़ होता है वहीं से लीफ के थ्रू ही इसको बनाया जाता है, तो इसलिए जो है इस प्रोडक्ट की ऐसे भी डिमांड है क्योंकि ये जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, कहीं किसी में कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं मिलाया गया है। उसकी लीफ को अच्छे से धो के साफ करके और उसमें से ही प्लेट्स को जो बनाया जाता है मशीनरीज के द्वारा, और बाकी इसमें कोई भी किसी भी तरीके का केमिकल वगैरह यूज नहीं किया जाता है। तो एक तरीके से ये बिल्कुल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल है, तो इसलिए इसकी डिमांड भी जो है फॉरेन कंट्रीज में काफी अच्छी रहती है। अभी जैसे पॉलीथीन होता है वो कंपोस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए जो है इन प्रोडक्ट्स की डिमांड अभी काफी अच्छी निकल के आ रही है फॉरेन मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज से जो है इसकी डिमांड आ रही है, तो आप जो है इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो 2022 की बात करें तो 835 टन का करीब करीब यहां से एक्सपोर्ट गया है और उससे करीब $250,000 के आसपास की जो है इनकम जनरेट की गई है। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट जो है इंडिया ने यहां से किया है इस प्रोडक्ट के अंदर, जो कि लास्ट अगर कंपेयर करें लास्ट 2021 के हिसाब से तो 46% की इसमें ग्रोथ देखी गई है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में भी इसकी कंटिन्यूसली ग्रोथ है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा चल रहा है। कम कीमत के अंदर इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, 3 से 6 रुपए के आसपास एक 12 इंच की जो प्लेट्स होती है वो आपको मिल जाती है और आसानी से जो है आप इसको कम क्वांटिटी में प्लस पूरा कंटेनर भी आप इसका जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स की बात करें कि अगर आप एरिका लीफ प्लेट्स का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से तो गवर्नमेंट्स आपको क्या सपोर्ट कर रही है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करा रही है, तो गवर्नमेंट के सबसे पहला बेनिफिट होता है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स की बात करें तो उसके अंदर 1.3% आपको जो है ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है आपकी कमर्शियल इनवॉइस वैल्यू पे, और ये FOB तक का वैल्यू पे आपको मिलता है, CIF वैल्यू पे नहीं मिलता है। मतलब आपकी फैक्ट्री से इंडियन पोर्ट तक पहुंचाने की जो भी कॉस्टिंग आई, चाहे उसमें आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट ऐड है, मार्जिन ऐड है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोकल चार्जेज है, कस्टम के चार्जेज है, ये सब चार्जेज ऐड होने के बाद जो आपकी FOB कॉस्ट बनती है फ्री ऑन बोर्ड। FOB कॉस्ट के लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि FOB कॉस्ट किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती है। तो उस FOB कॉस्ट तक लेट्स सपोज कि आपकी वैल्यू जो है कमर्शियल इन्वेस्ट की 5 लाख रुपए और उस पर आपको 1.35% के आसपास, तो करीब करीब 5-6 हजार रुपए आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ड्रॉबैक का फायदा इसमें ले सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है रोड टेप में आपको मिल रहा है, 1.4% रोड टेप मिल रहा है, तो अप्रोक्स जितना ड्रॉबैक मिल रहा है उतना ही रोड टेप भी मिल रहा है। रोड टेप जो है ड्यूटी फ्री स्क्रिप है, एक तरीके से आपके करंट अकाउंट में नहीं आता है, ये आइस गेट के थ्रू जो है आप इसको एडजस्ट कर पाते हैं, और जो आपका ड्रॉबैक है वो आपको करंट अकाउंट में सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है, विद इन 1 मंथ आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाता है। तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा आपको सपोर्ट कर रही है, ड्रॉबैक भी इसमें दे रही है, रोड टेप भी इसमें दे रही है, दोनों इसमें आपको मिल रहा है।
अगर बात करें कि आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, आप किसी ऐसे एरिया से आते हैं जहां एरिका लीफ का जो प्रोडक्शन नहीं है, तो आप कहां से इनको परचेज करेंगे, किन किन एरिया से जो है इंडिया के अंदर इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है? तो आप जो है कर्नाटका जो मेजर स्टेट है जहां पे 40-50% के आसपास प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया का करीब करीब, तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप इसको केरला से कर सकते हैं, आसाम से कर सकते हैं, तमिलनाडु से कर सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है इंडिया के वहां से भी आप जो है इस एरिका लीफ प्लेट्स को परचेज कर सकते हैं। कई सारे मैन्युफैक्चर जो है आपको इन स्टेट में आराम से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे भी ऐसे भी सर्च करते हैं एरिका लीफ प्लेट सप्लायर, तो काफी सारे सप्लायर्स और काफी सारे एक्सपोर्टर्स का डेटा निकल के आता है। उनसे भी आप बात करके प्रोडक्ट की प्राइसिंग करके पैकेजिंग बारे में पता करके कैसे एक्सपोर्ट करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और फिर जो है आप प्राइस लेके बायर को दे सकते हैं। तो परचेज जो है आप इन स्टेट से कर सकते हैं। बात करें कि इसकी डिमांड कहां कहां है, भाई परचेज तो हमने कर लिया, अब सेल कहां कहां करेंगे, किन किन कंट्रीज में इस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो उस डिमांड को जानने के लिए डेटा भी आप परचेज कर सकते हैं। हम भी आपको बायर्स डेटा भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी जो इसकी जो मेजर डिमांड निकल के आ रही है काफी सारी प्रीमियम कंट्रीज में, जैसे यूएसए में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जर्मनी में आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इसराइल इसका हमसे इंपोर्ट कर रहा है, मलेशिया हमसे इसका इंपोर्ट कर रहा है, स्पेन में, कनाडा में, कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, इन सब कंट्रीज में जो है आप इस बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो एरिका लीफ प्लेट्स या बाउल्स हो गए या उसकी कोई भी ट्रेज हो गई है, सभी तरीके के प्रोडक्ट जो है आप उसमें डिजाइन कर सकते हैं। कस्टमाइज हो सकता है इस पर, तो बायर रिक्वायरमेंट बायर जैसा चाहता है, प्लेट्स बड़ी हो सकती है, छोटी प्लेट्स हो सकती है, छोटे छोटे बाउल्स हो सकते हैं, जैसा भी बायर चाहता है उस टाइप की इसकी साइजेस हो सकती है, तो उस हिसाब से आप जो है इसको सेल कर सकते हैं। बायर से उसका ऑर्डर लें, कस्टमाइजेशन के बारे में पता करें, अपनी ब्रांडिंग करनी है, बायर की ब्रांडिंग करनी है उस बारे में पता करें, और आराम से जो है आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये तो बात थी कि किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है, काफी सारी कंट्रीज में ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप भी जो है इसको कर्नाटका से परचेज करके सीधा सीधा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कर लेते हैं, अगर आप इंडिया से एरिका लीफ प्लेट्स का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे? तो दोस्तों, एरिका लीफ प्लेट या किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट की बात की जाए इंडिया से, तो सबसे पहले आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जब आप जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो बैंक से आपको एडी कोड लेटर लेना होता है, उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है, फिर आपको आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपके जो है ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं, जैसे आपका परफॉर्मा इन्वॉइस होता है, कमर्शियल इन्वॉइस होता है, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथो या एग्रो कमोडिटी होती है तो पाइथो सेंडरी सर्टिफिकेट लगता है, सर्टिफिकेट ओरिजिन लगता है कि कौन से जो है कंट्री का ये प्रोडक्ट, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आपको इसमें बनाना रहता है। ड्यूरिंग द शिपमेंट ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट बनते हैं, बिल ऑफ लेडिंग बनता है, बाय शिप जाता है तो बिल ऑफ लेडिंग आपका सी वे बिल ऑफ लेडिंग बनता है, बाय एयर जाता है तो एयर वे बिल ऑफ लेडिंग आपका बनता है, तो आप जो भी मोड से आप एक्सपोर्ट करें उस तरीके से आपका बिल ऑफ लेडिंग बन जाता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों जो आपको एक्सपोर्ट में बनाने रहते हैं। बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की, अगर आप इंडिया से एरिका लीफ प्लेट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से प्रोसीजर काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है सोर्सिंग कहां से करनी, तो इसकी सोर्सिंग के बारे में पता करें कि आपको कहां से परचेज करना है। जब आपको इसका सेलर मिल जाए तो उससे प्राइसिंग वगैरह में पता करें, पैकेजिंग पता करें, किस किस साइजेस में ये अवेलेबल है वो पता करें। जब ये सारी चीजें पता कर लेंगे उसके बाद सिंपली आपको अपना एक फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से एक्सपोर्ट करना है, उस पर जीएसटी सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, एमएसएमई सर्टिफिकेट आप ले लो, अगर कोई लोन वगैरह लेते हैं तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है, एक और स्कीम गवर्नमेंट की रहती है उसमें 1-2% के आसपास आपको लोन मिल जाता है, 3% तक मिल जाता है, तो आपको एमएसएमई में अगर रजिस्टर्ड है तो उससे आप लोन लेने जाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो कई सारी स्कीम्स एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। उसके बाद जो है आप सिंपली आपको करंट अकाउंट ओपन कराना रहेगा किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक के अंदर, वहां पे आपको एडी कोड लेटर मिलना चाहिए, ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड का लेटर अगर उनके पास हो तभी आप अकाउंट खुलाएं वहां पे। उसके बाद आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका बन जाए, उसके बाद सीधा सीधा आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई कर दें। आरसीएमसी होने के बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिस भी एयरपोर्ट या जिस भी सी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सिंपली उसके बाद आपको जिस भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे आपको कस्टम हाउस एजेंट, एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है जो हमारे भी आप पे कस्टम करवाता है, कस्टम क्लीयरेंस कराता है। एजेंट अपॉइंट जब आप कर लेंगे फिर आप बायर ढूंढने का चालू करते हैं। बायर ढूंढना जब आपका हो जाए, बायर आपको मिल जाए, तो आप सिंपली उसको प्राइस देते हैं अपना, जब ऑर्डर कंफर्म हो जाए तो पेमेंट उससे डलाएं, फिर मटेरियल को शिप कर दें। आपका सीएचए पोर्ट के ऊपर उसका प्रोडक्ट का कस्टम वगैरह करा के जिस भी शिप या बाई एयर से वो जाना है उसमें लोड करवा देगा, मटेरियल बायर के पास पहुंचेगा, और यहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट आपके बने हैं एक्सपोर्ट के दौरान, जो भी आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट जो डॉक्यूमेंट थे वो आपको बायर को कुरियर कर देने हैं, शिपिंग बिल को छोड़ के, जो कि एक कस्टम डॉक्यूमेंट होता है, बाकी सब डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर करने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये एरिका लीफ प्लेट का जो एक्सपोर्ट यहां पे प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की, किस तरीके से बायर ढूंढना है, किस तरीके से बायर से बात करनी है, किस तरीके से बायर को मेल करना है,
मैं लाइव बायर फाइंडिंग करके आपको दिखाता हूँ कि गूगल पे बायर फाइंडिंग का क्या तरीका है, मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, उसके बायर कैसे ढूंढता हूँ, पेमेंट कैसे लेता हूँ, एडवांस पेमेंट में किस तरीके से काम किया जा सकता है, और आपको ऐसा क्या सेटअप करना है कि बायर भी आपको आंख बंद करके अपना एडवांस पेमेंट दे और आप पे ट्रस्ट करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो ये सब चीजें हम हमारी एडवांस 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए लेके आए, जिसको आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बहुत ही ईजी वे में घर पर रहकर शुरू किया जा सकता है। आप चाहे हाउस वाइफ हैं, आप चाहे स्टूडेंट्स हैं, आप कोई जॉब देख रहे हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, एवरीवन इस बिजनेस को कर सकते हैं। आराम से आप इस बिजनेस को करें, घर पे बैठ के आपको इस बिजनेस को कर सकते हैं। इनिशियल थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट शेयर करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।